लेकिन आए किसी की मजाल है, चलो इतना बड़ा मजमा नहीं, इतना बड़ा मजमा नहीं, हमारे चार ही लड़के खड़े हो, चार ही लड़के खड़े हो, और कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके अपने दांत और थोपड़ा बचा करके दिखा दे। इतना दमखम आज भी हमारे बच्चों में मौजूद है। मैं आपको बताता हूं, मैं मुंबई का रहने वाला हूं, एक जगह मैं एक दावत में गया था और वहां से निकल रहा था तो एक बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी, कुछ नौजवान थे, सब जमा थे, उसमें एक नौजवान हिप्पी कट है और जींस फटी हुई, डिजाइन किया हुआ टैटू भी है, अजीब किस्म का नौजवान है, लेकिन वो दूसरे को अच्छी तरह घोसे मार रहा था और फिर लड़ाई हो रही थी। मुझे लोगों ने कहा कि हजरत इसका काम ही है, लड़ता ही रहता है, लड़ता ही रहता है, इसको कुछ नसीहत कीजिए। मैंने उसको करीब किया, कहा बेटा छोड़ दे, मजमा सब जमा हो गया है, ये क्या हरकत है। जहां मैं दावत में गया था उसके करीब में ही हो रहा था, वो लड़का आया, कहा सर झुका करके, हजरत बड़ी गुस्ताखी, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, लड़ता हूँ, बदनाम हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो मैं लड़ रहा था, जिसको मैंने मारा है उसके दांत टूटे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे रसूल को कहा वो झूठ बोलते थे। नाउज़ुबिल्लाह, मेरे नबी की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी, मेरे नबी की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। मैंने अपने जिस्म को नहीं देखा, मैंने अपने हुलिये को नहीं देखा, पंच मारा ताकि उसके दांत ही ना रहे, दोबारा मेरे नबी पर भौंकने वाले दांत ही ना रहे। अब मुझे बताओ मैंने गलत किया है या सही किया है। मैंने कहा बेटा तूने जो किया है ये तेरा ईमान है। मैंने मुस्तफा करीम की बारगाह में फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपकी इस उम्मत को देखकर अब एहसास होता है, ऐ अल्लाह के नबी हम गुनहगार तो हैं लेकिन गद्दार नहीं है। आज कुव्वत ईमानी और जज्बे इश्क मुस्तफा तुम्हारे अंदर बेदार हो जाए तो दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घरों में खुद ही सलाहुद्दीन पैदा होगा, तुम्हारे घरों में खुद ही शहाबुद्दीन पैदा होगा। तुम अजमत मुस्तफा के लिए हसासियत को जिंदा करो। आपको पता है जिस जर्नेल का आज पूरी दुनिया लोहा मानती है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? हर नौजवान को चाहिए, तुम्हारा हीरो ये पर्दे पर नाचने वाला मुजरे करने वाला हीरो नहीं है। मुसलमानों के असली हीरो तो खालिद बिन वलीद है, सलाहुद्दीन अय्यूबी है। उन्हें पढ़ो, बुजदिली खत्म हो जाएगी, डर और खौफ निकल जाएगा, उन्होंने जीने का सलीका सिखाया है। मैं आपको बता रहा हूं उस सलाहुद्दीन को अल्लाह ने वो कुव्वत अता की थी कि एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि 4 लाख सलीबी ईसाई मुकाबले में आए, पूरा यूरोप उतर गया था, कई बादशाहों ने आपस में एक दूसरे से इत्तेहाद किया और मैदान में उतर आए। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पता है कितनी फौज थी? सिर्फ 12,000 की, 12,000 की। तकरीर के दरमियान ये सब चीजें मत उठाओ, नात खान लोगों को देते रहे। 12,000 सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, और मुकाबले में कितने लोग हैं? 4 लाख। मुकाबला हो सकता है, दुनिया तो ये कहेगी कि कहां 12,000, कहां 4 लाख। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने लश्करियों से पूछा, मुझे बताओ मैदान में उतरना चाहिए कि नहीं? तो उनके लश्करी कैसे थे, उनके सिपाही कैसे थे, सुनो। सलाहुद्दीन से कहते हैं आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं, आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा इसलिए कि हमारी तादाद कम है, उधर तादाद बहुत ज्यादा है। जो आज मेजोरिटी माइनॉरिटी का खेल खेलते हैं वो सुनो। तो उनके सिपाहियों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा ये तो पहली मर्तबा हम आपको देख रहे हैं, अब आप हमें बताएं क्या रसूलुल्लाह के सहाबा जब गजबात में उतरते तादाद देख के उतरते थे या बगैर देख के उतरते?
अगर वो देख कर उतरते थे तो हम भी देख कर उतरेंगे, अगर वो तादाद को नहीं अल्लाह की जात को देख कर उतरते थे तो आज अल्लाह जिंदा है और उसी के भरोसे हम आज मैदान में उतरेंगे। तारीख में मुसलमानों की लिखी हुई तारीख ने अंग्रेजों की लिखी हुई तारीख भी अगर पढ़ो, डेनमार्क में, इटली में, आज भी नॉर्वे में सलाहुद्दीन डे मनाने की वहां पर कोशिशें और मुतालबा और कुछ मना भी रहे हैं सलाहुद्दीन डे, जबकि वो मुसलमान कंट्री नहीं है, मनाते हैं वो लोग। उनकी लिखी हुई तारीख है कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी 12,000 की किल्लत के साथ उतर गया, 3 दिन जंग चलती रही लेकिन वो 4 लाख को टुकड़े टुकड़े कर दिया, सब के सब बिखर गए, मैदान छोड़कर भागे, जान बचाकर निकले। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ताकत तो कुव्वत कौन से काजू बादाम खाने से आती है, ये अज़्म, ये हौसला, ये इस्तेकामत कहां से आई? सुनो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर जो जज्बा था वो कौन सा था? वो अपनी तलवार पर, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ अज़मत रसूल पर यकीन था। क्यों? जिसके लिए लड़ रहा हूं मेरे मुस्तफा की इज्जत है। एक मर्तबा की बात है, एक बुरनिस नाम का सिपह सालार ईसाइयों का मुल्क शाम में मुसलमानों का एक काफिला जा रहा था, उनको पकड़ लिया, उनका माल लूट लिया ईसाई फौजी, और वो भी बड़ा बड़े ओहदे वाला फौजी है बुरनिस, मुसलमानों के माल को लूट लिया और उनको मारा भी। जब मारता था तो क्या कहता था सुनो, कहता था मुसलमानों पुकारो मोहम्मद को, आ जाएंगे तुम्हारी मदद के लिए, कहा है तुम्हारे मोहम्मद, मदद के लिए पुकारो। मुसलमानों को इस तरह अजियत दे दे करके मारा, फिर लूट कर चला तो गया, काफिले में से कोई आया और सलाहुद्दीन अय्यूबी से आकर शिकायत की, कहा कि ए हमारे सिपह सालार आजम, बुरनिस नाम के उस गुस्ताख ने ये कह करके मारा है कि मोहम्मद को क्यों नहीं बुलाते। अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये वो जमाना था जब आपकी सख्त बीमारी थी, आप उठ नहीं सकते थे बिस्तर से, बीमार हो गए थे, आखिरी वक्त था इनका, हाथ पैर हिलना मुश्किल था, उस वक्त कोई आकर के खबर दिया तो बिस्तर पे जाते ही अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला तेरा ये सलाहुद्दीन कभी तेरी बारगाह में इतना इसरार नहीं किया, आज तेरी इज्जत की कसम बस एक चीज मांगता है, मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं उस गुस्ताख का सामना कर सकूं, इतनी जिंदगी और दे दे तेरे हबीब के उस शातिम का, उस गुस्ताख का मैं एक बार मुकाबला कर सकूं। उसके बाद साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, आपकी तबीयत सही हुई और बिस्तर से उठ करके आ गए। आए जब आपने सारे कार अपने तमाम जो जिम्मेदारियां थी मशागिल उनको संभाल लिया, सबसे पहला मिशन बुरनिस को गिरफ्तार करके लाओ। आपके होनहार सिपाही निकले, चंद ही दिनों में वो बुरनिस गिरफ्तार होकर आ गया, पकड़ा गया। इसीलिए मैं कहता हूं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आएगी, एक दिन तो बकरीद आएगी। अब आया और जब पकड़ करके लाया गया तो अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में है। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे अच्छी आदत यह थी कि जंगों में जिस मुल्क में भी जाते, जब फतह होती तो मुकाबिल में जितने भी फौजी गिरफ्तार होते सबको आप खुश दिली के साथ आजाद करते थे, जाओ तुम भाग जाओ, हमारे मुकाबले में दोबारा मत आना, माल लेना है लेकर के जाओ। फिलिस्तीन में भी आपने आजाद किया, आजाद किया, इसीलिए डेनमार्क इटाली वाले लोग सलाहुद्दीन डे मनाते हैं कि वैसा रहमदिल जर्नेल हमने देखा नहीं, जंग करता था मुकाबिल में आए हुए फौजियों को पकड़े जाने के बाद आजाद करता था, लेकिन आज वो बुरनिस को मालूम है कि ये बड़ा रहमदिल आदमी है, बड़ा सखी आदमी, आजाद कर देता है। बहुत सारे सिपाही जो कैद होकर के आए थे सबको सलाहुद्दीन ने कहा दोबारा तलवार ना उठाने का एग्रीमेंट करो और निकल जाओ, सबको आजाद करता रहा, आजाद करता। बुरनिस का नंबर आया,
वो आया और कहा कि मैं भी गिरफ्तार कैदियों में से हूं, आपकी आदत है आजाद करने की, मुझे भी आजाद कर दे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अगर तुझे आजाद किया तो मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाएगा, मैं तो इसीलिए जिंदा ही हूं कि तेरा मुकाबला कर। और उसके बाद उसके हाथ बांध दिए, उसकी गर्दन पर तलवार रखी, मजमा भी था। और उस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा ओ गुस्ताख बुरनिस, तो 2.5 साल पहले मुसलमानों से कह रहा था बुलाओ मोहम्मद को मदद के लिए, देख मोहम्मद अरबी ने मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए। मेरे अजीजों एक बात याद रखें, कोई भी इतराता हो घमंड करता हो वक्त उसका भी बदल जाता है, हमेशा एक वक्त नहीं होता, गुस्ताखों के भी वक्त पलटे हुए। और ये मौसमी कीड़े मौसम के जाते ही फिर इनको औकात समझ में आ जाएगी, इसलिए कि बाज जो उछल कूद करते हैं अचानक अचानक अमीरी आए तो कुछ लोगों के हाथ पैर और पर भी निकल जाते हैं, ऐसी हालात कुछ लोगों के आज हैं। उन लोगों को सिवाय इस्लाम बानी इस्लाम शौकत इस्लाम की तौहीन करने के आज कोई काम नहीं रह गया, कुछ गुस्ताख पाखंडी इसीलिए बैठे हुए हैं, उनको क्या लगता है हुकूमत हमारी है इक्तदार हमारा है जो चाहे वो करे। इनकी हालत वही उस कुत्ते की तरह है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है, वो पता है बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता रहता है और उस कुत्ते को ऐसा लगता है पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, उसे पता नहीं है कि बैल चला रहा है, लेकिन जब गाड़ी आगे गुजर जाती है तब पता चलता है अरे ये तो कोई और चला रहा था, वो अकेला रह जाता है। इन लोगों की हालत वही होगी जो सिर्फ और सिर्फ चंद सांसों में भूल गए और गुस्ताखियां करते रह गए। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं बात सलाहुद्दीन अय्यूबी की अर्ज कर रहा था और आखिर में मैं ये कह दूं 2.5 साल के बाद उस शातिमे रसूल का खात्मा हुआ, लेकिन तारीख में है वो 2.5 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर पर पैर लंबे करके एक दिन भी नहीं सोए, एक दिन भी नहीं सोए, जिस दिन से उन्होंने सुना था कि किसी गुस्ताख कुत्ते ने मेरे नबी पाक की शान में तौहीन की उस दिन से पैर फैलाना छोड़ दिया था, बिस्तर पर छोड़ना सोना छोड़ दिया था, रोज ये अर्ज करते थे कि मैं किस मुंह से आराम करूं जबकि मेरे नबी की तौहीन हो चुकी है, हुजूर की बारगाह में अगर मुझे पेश किया जाए तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। अजीजा ने गिरामी वकार, ये जज्बा था सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, अल्लाह ताला ने वो मकाम बुलंद अता किया था कि जहां कदम रखे इलाके का इलाका उनके जेरे नगर हो जाता था। आज आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, तुम्हारे मुशाकिल तुम्हारी मुसीबतें तुम्हारी तकालीफ हजार होंगी, तुम्हारे पास मसले बहुत होंगे, बीमारियों के मसले अलग, अनएजुकेटेड होने के मसले अलग, जाहिल होने के मसले अलग, हमारी औरतों के बेपर्दा होने के मसले अलग, शराब बढ़ गई नशा बढ़ गया जुआ बढ़ गया बहुत कुछ चीजें आ गई हैं, सब मसाइल अपनी जगह, सूदी कारोबार बढ़ गया, लेकिन इन सब का हल एक ही मसले में है, एक ही मसला है जिसको इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, हर मसले का हल। मेरे अजीजों हर मसले का हल एक ही है, वफाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों क्या आज ये अज़्म करने का वक्त नहीं है, क्या ये आज वादा करने का वक्त नहीं है, अहद करने का वक्त नहीं है, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप हमारी बख्शिश के लिए रात रात रोया करते थे, आप मेराज के सफर में भी हमें भूला नहीं भुलाया नहीं, आपने कब्र में जाकर भी हमें फरामोश नहीं किया, लेकिन हमने जिंदगी को
और दुनियावी रंगीनियों को तरजीह दी, हुजूर को भूल कर बैठ गए। आओ नौजवानों, आज अहद करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो। के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। ये अहद करो नौजवानों, तुम्हारे दिल का हर तार बोले नबी नबी, तुम्हारे रग रग में मेरे मुस्तफा की यादें बस जाएं। जब तुम्हारा ये जिंदगी गुजारने का तरीका हो जाए तो फिर मजाल है कोई उंगली उठाकर तुम्हारी तरफ बात करे, कोई सर उठाकर तुम्हारी तरफ बात करे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें इस जमीन पर हाकिम बनाकर भेजा है, गालिब कुव्वत देकर के भेजा है। लेकिन शर्त यही है, ला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे बुलंद रहोगे। शर्त एक ही है कि तुम्हारे पास सच्चा ईमान रहे। और ईमान किसे कहते हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। सच्चा ईमान तो यह है, जब तक तुम सारी दुनिया अपने माँ बाप बच्चों से ज्यादा उस मोहम्मद अरबी से मोहब्बत ना कर लो, मोमिन कामिल नहीं हो सकते। इसलिए खुलासा यह है, आओ उस दरबार के कदमों में झुक जाए और अपना सब कुछ वहां निछावर करें, और दुनिया की सारी इज्जतें तुम्हारे कदमों पर होंगी। आज इख्तदार तुम्हारे यहाँ होगा, तुम्हारी चौखट पर होगा। शर्त एक ही है कि तुम वफा करना सीख जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके पर आ जाओ जिस तरीके पर मेरे आका ने तुम्हें छोड़ा है। आज तुमने खुद अपने हाथों से हुजूर के अखलाक को छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। क्या ये नहीं है, तुम्हारे चेहरे देखने के बाद पहचानना मुश्किल हो जाता है, सलाम करें कि नहीं करें? क्यों? दाढ़ियां निकाल करके नालियों में गटरों में फेंक दिया, टोपियां छुपा करके घूमते रहे, सिर्फ इसलिए कि लोगों के नजर में सेकुलर बन करके रहे। जो सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं हमने देखा है, वो कुत्ते बन जाते हैं, बाकी ना इधर के होते ना उधर के होते, कुछ नहीं होता। बनना है तो ताजदारे मदीना का पूरा बन जाओ। इसलिए कि हमें पता है वो रसूल तुम्हें यहाँ भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे और कब्र में भी नहीं और हश्र में भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अजीजा ने गिरामी औकात, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी पर जमे रहो, डटे रहो, और हालात जैसे भी खराब आए लेकिन तुम्हें अपने दामन इस्लाम से एक बाल बराबर भी इधर उधर नहीं खसकना है। मुझे बताओ, क्या हुजूर पाक की इज्जत का मामला है तो कोई समझौता करोगे? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अस्मत, उनकी शान में कोई भौंके तो खामोश रहोगे? यही जज्बा मैं चाहता हूँ, यही जज्बा मैं चाहता हूँ। जब तक ये दिया जलती रहे, ये शमा रोशन रहे, बहुतों की नींद वैसे ही हराम रहे। और अगर तुम सो गए तो दुनिया उठेगी। तुम बेदार रहो, और तुम्हारे बेदार रहने का एक ही तरीका है, मुझे पता है। हमारी कौम को बेदार करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर सोए हुए हों, मुरझाए हुए हों, जैसे भी हो, इनके सामने आमिना के लाल का जिक्र करो, मकीने गुंबदे खजरा का जिक्र करो। मुरझाए हुए दिल भी बिल्कुल खिल जाया करते हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने जिंदगी भर अगर कोई काम किया है तो वो यही है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। क्या डाला है उन्होंने? डाल दी कल्ब में। हम यूं ही उन पर सलाम थोड़ी ना भेजते बरेली वालों पर, बरेली वाले टुकड़ों पर बिकने वाले लोग नहीं है, हाँ, और ना ही झंडे देख करके इधर उधर होने वाले हैं। आज जैसे बेचारे स्टेज पर बैठ करके अल्लाह और ओम को मिला रहे हैं, हाँ, ये मौलवी नुमा गद्दार है, जमात के गद्दार। मैं खुलकर कहता हूँ, कुछ बेचारे देवबंदी हजरात को ये बुरा लगने लग गया, क्या कहते हैं कि मुफ्ती साहब हम आपको बहुत सुनते थे लेकिन आपने हमारे बड़े मौलाना के बारे में ऐसा कह दिया, हमने सुनना छोड़ दिया। कहा, अच्छा हुआ छोड़ दिया,
इसलिए कि हमारी तकरीर सुनने के बाद कम से कम इतना तो फैसला करना चाहिए, तू मौलाना के डिफेंस में आ गया और मैं रब्बे जुलजलाल के डिफेंस में, उसकी शान के डिफेंस में हूं। जब रब्बे जुलजलाल की बारगाह में कोई कह रहा हो कि वो हवा है, हवा तो मखलूक है, क्या अल्लाह मखलूक है? ओम की ओम ओम जो लोग कहते हैं वो अल्लाह ही है, नऊज बिल्ला। 14 सदियों से हमारे किसी बुजुर्ग की जुबान से हमने ये नहीं सुना, और अभी अभी बीजेपी के टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी हजरा और उनकी दावतें खा खा करके पेट बढ़ाने वाले मौलाना, आपके कहने से ऐसा हो नहीं जाएगा कि कौम जो है अब ओम कहने लग जाए? हो सकता है तुम्हारे घर में ओम ओम कहा जाए, लेकिन हमारे घर का हर बच्चा अल्लाह अकबर ही कहे। ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूं, बाज लोगों को बुरा लग रहा है इनके बारे में क्यों इतने सख्त लहजे में कह रहे हैं, हम ये कहते तुम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि किस वजह से कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में जब बात आए, रसूल की शान में जब बात आए, तो फिर किसी और की शख्सियत को नहीं देखा जाता, कौन सामने है ये नहीं देखा जाता। मुझे मौलाना शमशाद अजहरी साहब ने बताया, इनके मरहूम दादा सिराज नेता साहब जो मदरसे के बानी भी हैं, हाँ वो नेता भी थे, दुनियावी सियासत भी करते थे, बहुत सारे मामलात भी थे, किसी जगह घर में दावत में थे, दावत में जहाँ थे, दावत जिसने किया था उसने इनसे कहा, नेताजी से, सिराज साहब ये क्या बात है कि हम रसूलुल्लाह को बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी बेटी को कहा कि मैं खुद तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, तो फिर क्या मतलब है इसका? इस तरह के शोशे छोड़ने वाले, इतराजात छोड़ने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन मौलाना ने बताया कि इनके दादा खाने पर बैठे थे, दस्तरखान से उठे और 2 झापड़ लगाए और कहा इसके बाद से तुम्हारे दस्तरखान पर कभी मैं नहीं आऊंगा। यही ईमान है और इसी को इस्तिकामत कहते हैं। हम ये नहीं देखते सामने वाला हमें रोटी खिला रहा है कि बोटी खिला रहा है, हम तो ये देखते हैं कि इसका सीना मेरे नबी की मोहब्बत से भरा है कि नहीं भरा है, और अगर सीना हुजूर की मोहब्बत से भरा है वो छोटा सा टुकड़ा भी खिलाए हमारे लिए वो तारा रहा है, और अगर हुजूर की तौहीन करने वाला कोई नेता हो कि पेता हो कुछ भी हो हमारी जूतियों की नोक पर है। इतनी बात याद रखो, इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम जज्बे इस्तिकामत है। तुम्हें शख्सियतों को देख करके फैसले नहीं करना है, तुम्हें अजमत रसूल देखना, तुम्हें ये देखना है। मैं जो बात कह रहा था उसको कंप्लीट करता हूँ और अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, खत्म करते हैं बात, हो गई हमारी तकरीर। खुलासे तकरीर यही है, हम बरेली वालों के पीछे, आला हजरत के पीछे इसीलिए भागते हैं, इसीलिए उनके नाम का नारा लगाते हैं कि उस आला हजरत ने जिंदगी भर कभी अपने बाप दादाओं का जिक्र नहीं किया, जब जब जिक्र किया शान मुस्तफा बयान की है, मदीने वाले का जिक्र किया है। जब बहुत सारे भोंक रहे थे नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी का इल्म ऐसा है वैसा है, तब बरेली का इमाम ये कह रहा था, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल